इस राज्य का दुर्भाग्य आज के डेट में के पाठक जैसा भ्रष्ट और खराब पदाधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी को जितना जल्दी से जल्दी हो आज अभी और इसी वक्त यहां से हटा देना चाहिए। आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे वो आदेश तो उनके मानना होगा। कैसे मानेंगे, 10 बजे से स्कूल था, कहां मानेंगे? अरे उनको मानना होगा। अब हम भी मुहिम छेड़ेंगे के पाठक के खिलाफ और के पाठक को भगाना होगा। मतलब भगाने का मुहिम छेड़ देंगे आप? हाँ एकदम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। होली का दिन है और होली के दिन टीचर प्रशिक्षण केंद्रों पर हैं। होली के दिन स्कूलों में टीचर गए थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा जी हैं। पंकज मिश्रा जी, आपकी सरकार है और होली के दिन आप लोगों ने टीचरों को भेज दिया। सबसे पहले तो आज होली के पूरे बिहार के लोगों को मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूँ और साथ में सीतामढ़ी जिला के लोगों को देता हूँ और उन्हीं सैदपुर विधानसभा के मतदाता मालिक को मैं कोटि कोटि बधाई की सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें, मैं बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि आज दुर्भाग्य है, इस राज्य का दुर्भाग्य आज के डेट में के पाठक जैसा भ्रष्ट और खराब पदाधिकारी, जिसके कारण जो शिक्षक है हमारा, जिस शिक्षक से पढ़ करके आज हम विधायक तक बने हैं, वही शिक्षक ने मुझको पढ़ाया है और IAS IPS सब शिक्षक के द्वारा ही बनते हैं। आज वह शिक्षक 6 दिन की ट्रेनिंग पर कोई सीतामढ़ी जिला का आदमी बेतिया जा रहा है, बेतिया का आदमी सीतामढ़ी आ रहा है, मुजफ्फरपुर का आदमी पटना जा रहा है और पटना का आदमी मुजफ्फरपुर आ रहा है जो शिक्षक है। मैं उस शिक्षक के दर्द को समझता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी को जितना जल्दी से जल्दी हो आज अभी और इसी वक्त यहाँ से हटा देना चाहिए। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ और होली, और उस होली के दिन जब विद्यार्थी नहीं स्कूल में गया, विद्यार्थी कैसे जाएगा? हम लोगों का हिंदुओं का महापर्व है जिसका नाम है होली, और इस होली के दिन आज शिक्षक जो है सो आज जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर पर और 6 दिवसीय पर जा रहा है। स्कूल भी गए हैं आज शिक्षक, और स्कूल भी शिक्षक गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कोटि कोटि आग्रह करना चाहता हूं कि के पाठक को आज अभी और इसी वक्त पद मुक्त करके और यहां से भेज देना चाहिए, दिल्ली प्रवास पर चाहे कहीं और भेज देना चाहिए। यह अभी हमारे शिक्षकों के साथ जो हो रहा है इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं के पाठक का। नहीं, आप लोग की सरकार है और आप लोग तो रक्षाबंधन के दिन छुट्टी। मैं तो आज फिर कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करता हूं। के पाठक तो अच्छा काम कर रहे हैं ना भाई, और काम कर रहे हैं के पाठक तो अच्छा, कहे आप उसको हटाने की मांग कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुओं का आज महापर्व है, उस पर्व के दिन किसी का बच्चा बाहर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है और यहाँ आ करके और आज के डेट में अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता करके वह ट्रेनिंग सेंटर पर जा रहा है, यह गलत चीज हो रहा है। मैं इस चीज का घोर निंदा करता हूं और के पाठक का मैं निंदा करता हूं। नहीं, जिस तरीके से के पाठक की तारीफ कर रहे थे, कई लोग तारीफ करते हैं और कई लोग विरोध है। RJD BJP ने भी मांग की है के पाठक ने भ्रष्टाचार किया, 900 करोड़ का भ्रष्टाचार BJP ने आरोप लगाया है। नहीं, BJP ने आरोप लगाया है कि अगर के पाठक भ्रष्टाचार किया है, ये बात भी सत्य है कि लोकल जो है लोकल एजेंसी से काम होता था, पहले हम लोग अनुशंसा करते थे और काम बढ़िया से बढ़िया काम होता है, अब जो है बाहर बाहर की एजेंसी को भेज रहा है। दूसरा बात है कि जितना डेस्क बेंच की सप्लाई हुई है, मैं अपने ही विधानसभा का बात करता हूं कि मेरे यहां का जो DO है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो वहां का जो अभी शिक्षा पदाधिकारी है, वो इतना मनमानी करता है, 30 किलो लोहा का डेस्क होना चाहिए वहाँ जो है, सो बढ़िया वुडन उस पर लगना चाहिए, 5 किलो से 8 किलो लोहा का मात्र डेस्क और बेंच लग रहा है और उसका पेमेंट जो है सो DO के द्वारा हो रहा है, और DO जो है हमारे सीतामढ़ी जिला का वह इतना भ्रष्ट DO है कि उस DO को 1 मिनट सीतामढ़ी जिला में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं यह मांग करता हूं कि नहीं, डेस्क बेंच की सप्लाई हुई है चाहे जो भी हुआ है, यह गलत हुआ है और इसके चलते कहीं ना कहीं प्रश्रय के पाठक जी देते हैं पदाधिकारियों को, वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी सबको के पाठक जी प्रश्रय देते हैं। इसलिए मैं के पाठक जी को शिक्षा विभाग को अगर ठीक रखना है,
पूरे बिहार को अगर ठीक रखना है तो के पाठक को जितना जल्दी से जल्दी हो यहां से भगावे और दिल्ली की ओर प्रस्थान करें। आपके तो सीएम नीतीश कुमार, आपके जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं सीएम नीतीश कुमार, आपके हम के सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका आदेश नहीं मानते हैं के पाठक, आप लोग कैसे हटा लेंगे? नहीं, आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे वो आदेश तो उनके मानना होगा। कैसे मानेंगे, 10 बजे से स्कूल था, कहां मानेंगे? अरे उनको मानना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे वो आदेश को मानना होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, दसों नौ जोर के प्रार्थना करता हूं कि केके पाठक जैसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को जितना जल्दी से जल्दी हो यहां से विदा करें। नहीं, सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का आदेश एक अधिकारी नहीं मानता है, तेजस्वी यादव ने भी कहा था, कई लोग इस बारे में कह रहे हैं मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानता है। आदेश का तो पालन केके पाठक को करना पड़ेगा, नहीं कैसे करेंगे, मुख्यमंत्री जी के आदेश को पालन करना होगा, मगर यह अपना जो मनमानी कर रहा है यह मनमानी नहीं चलेगा, बिहार की जनता नहीं चलने देगी, हम लोग नहीं चलने देंगे, हम लोग के पाठक को अब भगाएंगे, अब हम भी मुहिम छेड़ेंगे के पाठक के खिलाफ और के पाठक को भगाना होगा। मतलब भगाने का मुहिम छेड़ देंगे आप? हाँ एकदम, ऐसा आज हिंदू का महापर्व है होली और उसमें हमारे शिक्षक, हमको कष्ट हो रहा है कि हमारे शिक्षक, हमारी माँ आदि, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे भाई, हमारे बंधु, वही हमारे शिक्षक है और आज के दिन भी स्कूल जा करके और 5 दिवसीय प्रशिक्षण में उसको भेजा जा रहा है, यह कितनी गंदी बात है, और स्कूल में शिक्षक को जाने पर मजबूर किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हिंदू के महान पर्व के दिन भी अगर छुट्टी नहीं मिलेगा तो क्यों नौकरी करेगा कोई भाई? चुनाव सर पर है और इसका जवाब नियोज शिक्षक देने को भी तैयार है। शिक्षक कह रहे हैं कि आप लोग होली के दिन भी छुट्टी नहीं करा पाए। नहीं, मैं शिक्षक के साथ हूँ, मैं पूरे बिहार के शिक्षक के साथ हूँ और शिक्षक के साथ चट्टानी एकता के साथ मैं शिक्षक के साथ हूँ और मैं जो भी शिक्षक के साथ आज गलती हुई है और के पाठक ने जो गलती किया है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं शिक्षक से माफी मांगता हूँ, क्योंकि शिक्षक जो है उसी शिक्षक का दिया हुआ आज हम एमएलए है, कोई एमपी है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, सब उस शिक्षक का दिया हुआ है। मैं इसलिए शिक्षक को नमन करता हूं कि आज के दिन भी वह आदेश का पालन करते हुए वहां गए हैं, मगर शिक्षकों पर मोबाइल फेंक दिया है, कहीं माटी फेंक दिया है, कहीं गोबर फेंक दिया है शिक्षक, कहीं चोटिल भी हो गए हैं आज के दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत जाकर के मिलकर कहूंगा कि होली, दिवाली, छठ हम लोगों का पर्व होता है, उस पर्व में अगर छुट्टी नहीं मिलेगा तो कब छुट्टी मिलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, दसों नौ जोर के प्रार्थना करूंगा कि ऐसे के पाठक जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को 1 मिनट इस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपने सुना कि ये थे जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा, खूब गुस्से में है के पाठक पर, साफ साफ आरोप लगा दिया है कि भ्रष्टाचार से लिप्त हैं ऐसे पदाधिकारी और ऐसे पदाधिकारियों को जल्द से जल्द सीएम नीतीश कुमार बिहार से भगाएं, नहीं तो आंदोलन छेड़ दिया जाएगा, चेतावनी दी है और साफ साफ कह रहे हैं आईएएस के पाठक को जल्दी हटाओ क्योंकि शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे और माफी मांग रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं शिक्षकों को होली में जाना गलत है, होली के दिन छुट्टी रहती है, हिंदुओं का महापर्व है, ऐसे में ये जिस तरीके से तुगलकी फरमान है और ये तानाशाही नहीं चलने देंगे, आईएएस के पाठक के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया, सीएम नीतीश कुमार से शिकायत करेंगे। तो भाई रही लाइव के साथ।